हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज धनतेरस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, आज हमारे घर किन्नर आए हैं वो दीपावली का मांगने, इनाम मांगने के लिए। तो हम लोगों ने उनको पैसे दिए और हम लोगों को खूब आशीर्वाद दे के गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा गाइस। और आज के ब्लॉग में आज आप लोग मिष्टी के साथ बहुत इंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग में। और मम्मी आपको काजू कतली की रेसिपी बनाना सिखाएंगी, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। गाइस, मैं पेंटिंग कर रही हूँ आज, फिर वॉल को डेकोरेट कर रही हूँ। ये जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड पे कर रही है मम्मी ड्राइंग। अच्छा लगता है, पेंटिंग कर रही हूँ, पेंटिंग कर रही है, क्योंकि यार अगर तू घर अच्छा दिखा ले तो दिखाएंगे ही ना, अच्छा लगना चाहिए घर। तो गाइस, जब तक घर भी कुछ अच्छा लगना चाहिए ना, तो अभी जल्दी आएगा होम टूर अपना, आपको पूरा अपना घर दिखाऊंगी मेरी मम्मी के साथ। तो विदाउट एनी वर्डू लेट्स बिगिन, जल्दी से बनाते हैं इसको, फिर आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। मामा आ गए खड़े, कह रहे हैं मेरे मुंह पे पेंट करेंगे। तो पता नहीं कहाँ कहाँ बनने वाला है, अभी तो मुझे नहीं पता है, अभी तो स्विच बोर्ड पे बन रहा है। तो विदाउट बार बार क्यों बोले जा रही है, मेरी आदत पड़ चुकी है। तो सॉरी, मेरे से हाथ लग गया सर, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, तो मैं जल्दी अभी आएगा होम टूर, क्योंकि भाई मुझे होम टूर अच्छा लगे। होम टूर अभी नहीं आएगा बेटा, अभी थोड़ा सा टाइम है। होम टूर है जब हम पूरा घर डेकोरेट कर लेंगे अपना। हाँ, तभी तभी का बोल रही, जल्दी ही आएगा, जल्दी ही। दिवाली की सुबह सुबह आप लोगों को हमारे घर का पूरा होम टूर का वीडियो मिल जाएगा, है ना। हाँ गाइस, तो अभी तक तो डेकोरेट हो रहा है, डेकोरेट के बाद कैसा लगेगा पूरा। और मम्मी ने गोदरेज की वीडियो डाली है, प्लीज उसको देखिए, इससे पहले उसको देखिए, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारी दो पेंटिंग बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन गई हमारी पेंटिंग, नेक्स्ट ले चलते हैं आप। नेक्स्ट एक ये बन गई है और ये अभी बन लेगा। तो ये बनने जा रही है पेंटिंग, जो कि मम्मी स्टूल के ऊपर खड़े होकर बना रही है, और मम्मी का सारा सामान पड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं फोन चला रही हूँ, मम्मी कह रही है कि फोन नहीं चला रही। देखो आपको दिखाती हूँ, दो मिनट करो। क्योंकि तभी पूरा नहीं हुआ था, जो अभी जो लुक आया है ना, उसके बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी धीरे में मैजिक बॉल बनाई थी, पता नहीं काम गई, मैजिक बॉल बने टेक की बॉल हुई, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरी दीदी ने बनाया है, दीदी बोल रही थी कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया दीदी को क्रेडिट मिल गया, ठीक है। राधे राधे सब दोस्तों को, सब लोगों को, मेरी सहेलियों को, सबको राधे राधे। आज मैं काजू कतली बना रही हूँ दीपावली के उपलक्ष्य में, इसलिए आपको सब बता दूंगी। मैंने काजू ले लिए हैं, अब मैं इनको इसे सबसे नापूंगी। ये 2 कप मम्मी काजू ले रही है, ये 2 कप हो गए, अभी जितने बच रहे हैं इनको हम हटा देंगे। चलो इनको हटा दीजिए आप। तो गाइज, आपने देखा मेरी माँ काजू कतली की तैयारी कर रही है, वो काजू कतली बना रही है।
पहले मैं बना रहा थी, मम्मा का कहना तुम थक गई हो बहुत ज्यादा, और फिर मम्मा की हाथ की बहुत टेस्टी लगती काजू कतली, तो मैंने कि माँ को ही बनाने थे जब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा दी, क्योंकि दिवाली में सच बोले तो पागल हो गए, भूत बन गए बिल्कुल। सुबह से जो काम में लगते हैं पता ही नहीं चलता है कहाँ शाम हो जाती है, मतलब इतना काम शायद कोई त्योहार पर नहीं होता जितना काम दिवाली पे होता है गाइस। तो अभी मम्मी काजू कतली 2 कप नाप ली है, अब आगे वो बताएंगी कि क्या करना है, और आप लोग भी बनाना, उनकी रेसिपी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छे से मम्मी बनाती हैं। तो चलिए मैं उनके सब साइड कैमरा लेके जाती हूँ। हाँ तो मम्मी बताइए अब क्या करना है। हमने ये 2 कप काजू ले लिए हैं, अब हम इनको मिक्सी से पीसेंगे। अच्छा, पीस के इनको छान के बारीक पाउडर छान लेंगे इनको, और फिर हम इनकी बनाएंगे काजू कतली। तो पहले मैं मम्मी को मिक्सर से पीस के देती हूँ, और मिक्सर में भी ऐसे पीसना है, 2 मिनट चलाया फिर बंद करना है, दो पेस्ट बन जाएगा, नहीं तो वो ऑयल छोड़ेंगे काजू, इसलिए कंटिन्यूएशन में मिक्सर नहीं चलाना है, ये आप लोग सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको मिक्सी में पीस के मम्मी को पाउडर फॉर्म में बना के देती हूँ। हाँ तो गाइस देखो ये मम्मी ने पाउडर फॉर्म में कर लिया ना इसको, हाँ ये छान लिया था छन्नी से, पाउडर हो गया देखो बिल्कुल, मम्मी दिखा के उठा के बताओ, ये पाउडर जैसा, ये देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है। और ये मम्मी ने इलायची पीस के रख ली है, ये थोड़ी सी है तो इसलिए इसको थोड़ा, यदि कभी भी इलायची पीसना हो तो क्या करना है, शक्कर के साथ पीसो, तो शक्कर के साथ पीसोगे तो ये देखो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गई। हाँ अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। अब मम्मी कढ़ाई गरम करके रख के उसमें 1/2 कप पानी डाला है, 1 कप शक्कर डाला है, और 1 कप मम्मी ने शक्कर डाला है। अब मम्मी 2 कप पानी थे, 2 कप काजू थे तो 1 कप शक्कर डालना है, ठीक है। मुझे फूड ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है। क्या है? फूड ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है। तुझे किस किस चीज का शौक है? अगर आप मेरे से एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्वीट में काजू कतली, मैं तो एक दिन में 1 डब्बा पूरा खत्म कर जाऊंगी। अच्छा। तो बहुत अच्छी लगती है। और चॉकलेट की बात करूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहता है, दोनों में से कोई एक, जैसे डेरी मिल्क और जेम्स। मेरी मम्मी को भी पसंद है, खाती तो है वो, बट बहुत ही कलर को रखती है। अगर मैंने कभी भी 2 जेम्स टाइप की आती है वो है एक एमिना और स्किटल्स, वो भी मुझे ट्राई करनी है। आई थिंक स्किटल्स कलर ज्यादा खाते हैं, भाव भी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो जेम्स से कुछ सीखना चाहिए स्किटल्स को कि इतने कलरफुल होते हैं और इतने ठीक लगते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है चिप्स मेरे 2 हैं मम्मी को बताइए, एक कुरकुरे और लेज में ब्लू कलर का मेरा फेवरेट है, मैजिक इंडियन मैजिक मसाला, ठीक है। और अब बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में सबसे पहले आलू की जो मेरी दादी बनाती है, उसे नानी को दादी बोलती है, तो दादी पीली आलू की सब्जी बोलते हैं, प्याज लहसुन, अभी ठंड में तो लहसुन डाल लेते हैं, गर्म होती है डाल देती है, तो पीली वाली सब्जी कहती हूँ, पीली आलू। चलो हो गया, हम बता दें तुम्हारा। हाँ तो ये देखो मम्मी चाशनी बना रही है अभी, ये जूम करके देख लो। हाँ मम्मी ये कितना, 1 तार 2 तार कैसा बनेगा? 1 तार की बनेगी, 1 तार की चाशनी बनेगी। अभी तो ये उबल रही है, जैसे ही 1 तार की होगी हम आपको बताएंगे। ये मम्मी का देखो बिल्कुल देसी स्टाइल है, नीचे बैठ के खाना बनाना, क्योंकि गाइस मम्मी से ऊपर बैठ के बनता नहीं है। हाँ प्लेटफॉर्म पे मैं करती हूँ, मम्मी नीचे। और ये मम्मी का जो गैस है, ये मम्मी कितने साल पुराना गैस है? 45 ईयर पुराना। जब गैस चलना शुरू हुए थे, हमारे विदिशा में आए थे, तब 5 साल नंबर लगने के बाद ये गैस आया, तो 45 साल हो गए इसको आए हुए। और पहले तो चूल्हे चलते थे, वो भी एक वो होटल है ना, कौन सा है वो, अम्मा की रसोई, उस पर तो चूल्हे पे बनाते हैं, बट वो भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ ये देखो मम्मी दिखा रही है, हाँ 1 तार की चाशनी बनाना है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं। हाँ तो ये अभी मम्मी ने पाउडर पूरा उसमें डाल दिया है, काजू का पाउडर। काजू का पाउडर। मैं शायरी बनाना चाहता हूँ। क्या शायरी बनाना चाहती हो? अर्ज किया है। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अर्ज किया है मेरी दादी बना रही काजू कतली, मेरी दादी बना रही काजू कतली, और इसमें मम्मी ने 1 चम्मच घी भी डाल दिया, वो टी स्पून से है ना।
अभी इसको चलाएंगी, जब तक चलाएंगी थोड़ा सा टाइट डो जैसा ना बन जाए। और फिर उसके बाद डाला है इलायची का पाउडर। हाँ इलायची पाउडर जो मेरे से मिस हो गया था ना मुझे। मैं बोल लेती हूँ, मुझे पता है कुकिंग के बारे में। हाँ सब मालूम है मिस्टी को तो। क्या क्या मालूम मिस्टी का? मैं चाइनीज फूड के बारे में बात बताई हूँ कि मैं चाइनीज फूड की लवर हूँ, मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है। और ये फास्ट फूड जैसी ही हो गई है, दुबली पतली नाजुक सी। फ्रेंच फ्राइज जैसी हो गई हूँ। मुझे पहले गूगल पे सर्च किया था कि फ्रेंच फ्राइज कहाँ का है, मुझे पहले लगता था फ्रांस का है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज बेल्जियम का है। इसका नाम फिर फ्रेंच क्यों है? अच्छा ऐसा। हाँ तो ये सवाल से तुम अपने व्यूअर्स से पूछो। व्यूअर्स आप ही बताओ, सब्सक्राइबर जल्दी बताओ। ओके तो गाइस ये मम्मी ने इसका गोला बना के और इसको थाली पे चिकना ही लगा के बेल लिया है। इतना टाइट बिल्कुल लोई जैसा हो गया था ना, आटे जैसा हो गया था ना। हाँ, जैसे पूड़ी का आटा रहता है, पूड़ी के आटे जैसा हो गया था। और इसको हाँ इसको कैंची से काट लो मम्मी, रुक जा। मम्मी का तो सब कुछ देसी स्टाइल है, कैंची भी यूज नहीं करना है, हसिया यूज करना है। हाँ तो ये देखो मम्मी बता रही है, इसमें इलायची पाउडर तो हमने शुरू में मिला लिया था ना। चलिए अभी ये मम्मी लगा रही है इस पे चांदी का वर्क। हाँ ऐसे चिपका दो उस पे। हाँ वो चिपक जाएगा मम्मी। ये मम्मी अब इसको सकल पारे की कटिंग कर रही है, अंदाज से कर लो मम्मी, छोटे छोटे पीसेस करो, सबको छोटे छोटे खिलाएंगे क्योंकि मैं खाऊंगी सारे। काजू बहुत महंगा है इसलिए छोटे छोटे पीस करो, बड़े बड़े पीस नहीं करना। अभी एक और पैकेट रखा है। तो तुम्हारा क्या मतलब उस एक पैकेट के भी काजू कतली बनाना है? बिल्कुल भी नहीं, इतना ही बनेगा। मुझे तो लग रहा दादी कट कर जाएगी। दादी ऐसे कैसे कट जाएगा, कुछ भी बोलती रहती है मिष्टी तो हमारी, इसके मुंह में जो आता है वो बोलती है मिष्टी। हाँ। मैं खा लूं दादी। ए बोलो तो कह रहे जोकर क्यों बोलेंगी? अभी हमने बोला है बस यही बोला हमने जोकर। मिस्टी तुम इतना ध्यान से क्यों देख रही हो काजू? मुझे गाली है। क्यों? ये देखो कितने अच्छे से मम्मी कट कर रही है इनको। इनको बस ऐसे मर्डर करना है, लोगों का मर्डर। इसका मर्डर करना है आई थिंक। चलो इसको निकालो फिर इसका अपन बढ़िया। मिस्टी एक बढ़िया सी प्लेट निकालो, अपन उसमें सर्व करेंगे। ओके तो कल भी रेडी है, मुझे खाने का मन कर रहा है, भूख लगी, मुंह पानी आ रहा है, आई कांट वेट। तो गाइस ये देखो हमारी काजू कतली तैयार है और ये देखो कितनी सॉफ्ट है और अभी तो गर्म हो रही है बहुत ज्यादा। मुझे भूख लगी है, दे दो एक पीस। हाँ नहीं पहले, अभी नहीं, पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा। भगवान जी को भूख लगा, मुझे भूख लगी, मुझे एक पीस खाना है इसमें से। चलो भगवान को भूख लगाते हैं, चलो जल्दी। हाँ चलो पहले भगवान जी को भूख लगाओ, चल जल्दी आ जाओ, आ जाओ मिष्टी जल्दी जल्दी, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है ठीक है। हाँ हाँ तो गाइस ये रहा मेरा मंदिर, ये आप लोगों को दिया है बट ये दिया नहीं है, ये दिया वाली आगे वाला क्या है? लाइट। और दिवाली का मतलब ही होता है द रो ऑफ लाइट, तो लाइट हम लोगों ने लगा दी है, ये चिपकने वाली लाइट है और इसको जल्दी से भगवान को सर पर देते हैं।
सर नहीं करते, ऑफर करते हैं। मिष्टी भोग लगा रही है ठाकुर जी को और फिर मिष्टी खुद को भोग लगा रही है। तो जल्दी करो मिष्टी, सबको भोग लगा दो, ऐसे एक एक बाइट और खिलाओ। नहीं, सबको पहले एक एक बाइट खिलाओ। 5 बाइट्स खिलाते हैं सबको। चलो पानी और चलो जल चढ़ा दो। तो दिख रहा है ना लाल बटन, उसको सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबाओ और मेरे मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप भी खा लो यार, लाइक आज के बहुत ही टेस्टी है। बस गाइस आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक ओके आप लोग मेरा लाइक शेयर कर चले जाते, बहुत दुख होता है। प्लीज हमारे लिए सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आप लोगों को मेरी माँ की काजू कतली की रेसिपी आई थिंक पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज जो मिष्टी बोल रही है वो कर लेना, क्योंकि मिष्टी बहुत एक्साइटेड है काजू कतली खा के। ये देखो तो आज दिन भर में हम लोग बहुत थक गए, फुल डेकोरेशन का काम चल रहा है अभी। कल हम सब आपको पूरा होम टूर कराएंगे, जो सुबह सुबह दिवाली के दिन अपलोड होगा हमारा वीडियो, तो जरूर वॉच करिएगा। अभी हम लोग फुल डेकोरेशन में लगे हैं घर के, और देखो बंदरिया बने घूम रहे हैं। पूरा दिन कहीं बाजार फिर आना फिर जाना ये ही हो रहा है डेकोरेशन। मैं मम्मी के साथ ही जा रही हूँ आज पूजा दिन। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, ओके बाय ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। काजू कतली खा लीजिए, बाय बाय।